पाकिस्तान को लाखों अफगान मुहाजरीन की मेजबानी के लिए आलमी तावुन की भी जरूरत है। तो यहाँ पर क्या समझा जाए, वजीर आजम तवज्जो दिलाते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद लाखों अफगान मुहाजरीन की मेजबानी जारी जो है हमने रखी गई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या किसी किस्म की एड या इस मामले को लेकर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट जो है वो आते हुए देखेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया, खासी जानदार गुफ्तगु हुई आपने भी और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी बात की। मैं भी यूएन सेक्रेटरी जनरल को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने माजी के सेक्रेटरी जनरल्स के मुकाबले में ज्यादा जोर से और इंतहाई कमिटमेंट के साथ मसले की निशानदेही भी की है और इंसाफ और अदल की बात भी की है। लेकिन बातें दो हैं, एक जो उन्होंने कहा कि बैन अल-अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान के खिलाफ तासुब से काम ले रही है, दूसरी बात यह है जो हारिस नवाज साहब ने फरमाई, कौन करेगा ये काम, क्या ये दुनिया करके देगी? सालसी की पेशकश भी कर रहे हैं, सालसी इन्होंने भी ये कहा कि अगर भारत माने, सालसी की पेशकश अमरीकी सदर ने भी दो दफा ये बातें की, जबकि उन्हें मालूम है कि वो जब तक अफरीक जो दो हैं वो न माने दोनों तो सालसी कौन करेगा। असल बात अब मैं जिस तरफ आना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं, इन सारी खूबसूरत बातों के बावजूद कौन करेगा, करेगा या नहीं करेगा, पाकिस्तान करेगा। अगर पाकिस्तान खुद इक्तिसादी तौर पर, दिफाई तौर पर और अपने निजाम जमहूरियत के लिहाज से मजबूत हो, अपने मसाइल हल कर चुका हो, इसके अंदर सियासी इस्तेकाम हो।